हे गाइस, मैं आज की इस वीडियो के अंदर टेक्नो स्पार्क गो 2023 लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, लार्ज मेमोरी, साथ ही साथ आपको 5000 mAh बैटरी और टाइप सी केबल वाला जो है इसके अंदर आपको जैक देखने को मिलता है। साथ में आपको बैक फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको मेमोरी फ्यूजन का भी एक ऑप्शन जो है ये फ़ोन के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं फ़ोन की होम स्क्रीन के ऊपर। तो होम स्क्रीन के ऊपर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वॉलपेपर, विड्स एंड थीम, एंड साथ में आपको मिल जाता है डेस्कटॉप सेटिंग। डेस्कटॉप सेटिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड मिलता है गेस्चर सेटिंग। उसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो लॉन्चर की गेस्चर सेटिंग्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सेकेंडली है नंबर बैक्स। इसके अंदर आपको 3 तरह का नंबर बैक्स देखने को मिलता है, सेटिंग, मैसेज एंड फोन। अगर आप ये बंद करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। उसके बाद अदर सेटिंग की बात करते हैं तो आपको पिन आइकॉन ऑन स्क्रीन, ये भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ में पेज इफेक्ट की बात करते हैं तो आपको अलग अलग तरह का पेज इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको डेस्कटॉप ग्रिड की बात करते हैं तो 2 तरह का आपको ग्रिड्स देखने को मिलेगा। टेक्स्ट कलर की बात करते हैं तो वाइट, ब्लैक एंड कस्टम, आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर की बात कर रहे हैं। उसके बाद सर्च सेटिंग, इसके अंदर आपको अलग अलग तरह का सर्च सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब हाइड ऐप, और आपने जो एप्लीकेशन को हाइड की वो, और आपको अनहाइड रिसेंट ट्रैप, आपको ये भी पता लगेगा कौन सी एप्लीकेशन को आपने अनहाइड की है। ये सारी सेटिंग्स आपको डेस्कटॉप सेटिंग के अंदर देखने को मिलती है। अब जो है नेक्स्ट फीचर्स की ओर चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग के अंदर जो है काफ़ी सारी सेटिंग, कस्टमाइज सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। तो यार वीडियो को है ना जो पूरा है देखें, क्योंकि आप कोई भी चीज़ मिस कर जाओगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। अगर आप ये फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। तो सबसे पहले हम नीचे की ओर आ जाते हैं। सिस्टम, सिस्टम के अंदर आपको मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको गेस्चर नेविगेशन और 3 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर आपको मिलता है नीचे की ओर मोर सेटिंग। मोर सेटिंग के अंदर आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेआउट, आप लेआउट आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी आप मुझे अगर बैक बटन को लेफ्ट राइट या राइट बार करना है तो मैं यहाँ से इजीली जो है दोनों तरफ यहाँ से इजीली मैं कर पाऊँगा। तो आप देख सकते हो ये आप दोनों सेटिंग को यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है गेस्चर नेविगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो बटन है वो जो है हाइड हो जाएंगे, आपको कोई सा भी बटन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल। पर अगर आप चाहते हैं कि होम स्क्रीन को कुछ इस तरह से आप रिसेंट बार ओपन हो जाएगा, बैक बटन कुछ यहाँ से भी बैक होगा और कुछ राइट बार, ये दोनों तरफ से ये भी बैक जो है हो जाएगा। ये सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद इसके अंदर कोई खास सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती, बट आपको एक सिस्टम अपडेट का भी यहाँ पे एक ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट फीचर की ओर चलते हैं। फंक्शन, इसके अंदर आपको मिल जाता है स्मार्ट पैनल। इसको आपको यहाँ पे इनेबल करना है। उसके बाद आप यहाँ से लेफ्ट बार से इसे बाहर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो होने लगी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ और ऐड हो जाए वो भी ऐड हो जाएगी। लॉक का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ का भी ऑप्शन देखने को जो है मिल जाता है। 2 मोड देखने को मिलते हैं, किड्स मोड एंड गेम मोड। ये दोनों मोड आपके कोई काम के नहीं है। उसके बाद आपको ऐप ट्वाइस का बात करते हैं। इसके अंदर आप ड्यूअल फेसबुक यूज़ कर सकते हो। फिंगरप्रिंट मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वीडियो असिस्टेंस, यहाँ पे आप अलग अलग तरह के वीडियो क्वालिटी के अंदर असिस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है माइक्रो इंटेलिजेंस। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिलती है। उसके सबसे ऊपर मिलता है क्विक स्टार्ट। इसके अंदर आपको क्विक स्टार्ट के अंदर कैमरा, वाइटी म्यूजिक, W बनाने पे, V बनाने, Z, O, E, S, या कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई सी भी चीज़ को जो है यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डबल टैपिंग टू वैक। इसके अंदर क्या होगा, डबल टैप करोगे तो आपका फ़ोन जो है लाइट ऑन हो जाएगी, और डबल टैप करोगे तो आपको लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। तो ये डबल टैप टू वर्किंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को जो है मिल जाता है। उसके बाद आपको मिलता है म्यूजिक गेस्चर। इसके अंदर आपको स्लाइड करके डाउन करोगे तो आपको म्यूजिक जो है इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है फ्लिप म्यूट। इसके अंदर आप देख सकते हो जब भी आप फ्लिप म्यूट के अंदर क्या होगा, जब भी फोन को हाथ लगाएंगे तो ये फोन जो है आपको म्यूट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको
आपको मिलता है रेस्ट टू ईयर। इसके अंदर क्या होगा कि आप जब भी कान के पास फ़ोन को ले जाएंगे तो आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक जो है फ़ोन रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन। इसके अंदर क्या होगा जब भी आप फ़ोन को हाथ में लोगो तो ऑटोमेटिक आपकी लाइट जो है ऑन हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको मिलता है आंसर कॉल विद गेस्चर। इसके अंदर दो तरह का आपको गेस्चर्स देखने को मिलता है। फर्स्ट मिलता है कॉल आंसर गेस्चर। इसके अंदर दो जब भी आप फ़ोन आएंगे तो दो फिंगर आप दिखाएंगे कुछ इस तरह से, तो आपका फ़ोन जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आप ऐसा करोगे तो फ़ोन रिसीव हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आप 5 फिंगर दिखाओगे तो फ़ोन जो है आपका कट हो जाएगा। तो दो तरह के आपको फिंगर रिजेक्शन का भी ऑप्शन, कॉल रिजेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे की ओर आपको मिलता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जहाँ जब चाहे आप डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल ये फ़ोन के अंदर जो है देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है एक्सेबिलिटी। एक्सेबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन। उसके बाद आपको टाइमिंग कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिस्टम कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलता है ऑटो रोटेट स्क्रीन एंड पावर बटन विथ एंड। अगर आपका फ़ोन का सेंसर वर्क नहीं करता है तो आप पावर बटन से जो है फ़ोन ईजीली कट कर सकते हैं। उसके बाद आपको चले जाना है डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंट कंट्रोल। उसके अंदर आपको दो यहाँ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको ये है आपका फ़ोन कितनी मिनट तक यूज़ किया है, कौन से एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, सारी डिटेल आपको ये फ़ोन के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको मिलता है बेड टाइम मोड, जिसको आपको इनेबल करके रखना है। जब भी आप रात में अगर फ़ोन बंद करते हो तो आप बेड टाइम में कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कॉल वगैरह की कोई भी नोटिफिकेशन आपको शो नहीं होगी। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है फोकस मोड का। इसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन डिस्ट्रैक्ट करते हो तो आपको फोकस मोड को इनेबल कर देना, जिससे वो आपको एप्लीकेशन जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इसी तरह से इस फ़ोन के अंदर जो है काफ़ी कमाल के फीचर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको चले जाना है ऐप मैनेजमेंट के अंदर। इसके अंदर आपको मिलता है डिफ़ॉल्ट ऐप का ऑप्शन। इसके अंदर आपको जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आप चाहते हो वो कर सकते हो, जैसे क्रोम, हाई ब्राउज़र। उसके बाद फ़ोन लोगों के अंदर भी आपको अलग अलग तरह का दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आप यहाँ पे फ़ोन ही सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर्स की ओर ले चलता हूँ, बैटरी लैब। बैटरी लैब के अंदर आपको मिल जाता है पावर सेविंग का ऑप्शन। उसके बाद आपको बैटरी सेटिंग के अंदर चले जाना। इसके अंदर आपको बैटरी परसेंटेज को इनेबल करके रखना, जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी बैटरी जो है कितने परसेंट चार्जिंग है। उसके बाद आपको ऊपर की ओर मिलता है चार्जिंग कंप्लीट टोन, इसको भी आपको यहाँ पे ऑन करके रखना है। उसके बाद बैटरी यूजेस का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बैटरी आपकी कैसी यूजेस यहाँ पे हो रही है। इसी तरह से इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स है जो मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो को जो है पूरा देखें। तो नेक्स्ट फीचर्स की ओर चलते हैं, नोटिफिकेशन सेंटर। इसके अंदर आपको काफ़ी तरह के तीन तरह के नोटिफिकेशन सेंटर जो देखने को मिलते हैं, लॉक स्क्रीन, बैनर्स एंड बैक्स। इसके अंदर आपको तीन तरह के नोटिफिकेशन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मोर के अंदर आपको बबल्स वाले जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। इसी तरह से सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।